नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है गार्डनिंग में हमें किस प्रूनिंग सीजर का उपयोग करना चाहिए। एक ये प्रूनर सीजर मार्केट में उपलब्ध रहता है, ये आप देख सकते हैं। इसका प्रयोग सॉफ्ट ब्रांचेस को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है और जिन ब्रांचेस को हम ज़मीन में लगाकर उगाने के लिए काटते हैं उसे इसी प्रूनर सीजर से हम लोग काटते हैं। तो दोस्तों, ये प्रूनिंग सीजर हमें कब प्रयोग करना है? इसका साइज जो मैंने पहले प्रूनिंग सीजर बताया था उससे काफ़ी बड़ा है और यह मोटी मोटी ब्रांचेस को काटने में काम आता है। मोटी ब्रांचेस का मतलब यह नहीं है दोस्तों जो ज़्यादा मोटी हों, उनके लिए तो कुल्हाड़ी की ही आवश्यकता पड़ती है। यह उन ब्रांचेस को काटने में प्रयोग किया जाता है जो 1 इंच या 1.5 इंच मोटी होती हैं। लगभग 1 इंच के लगभग मोटी ब्रांच को काटने में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको यूज करने का तरीका है, इसका पहले ये लॉक हमें खोलना पड़ता है। ये दोस्तों इसका लॉक है, इसको जब हम नीचे करेंगे तो यह खुल जाता है और फिर इसका प्रयोग हम किसी भी ब्रांच को काटने में कर सकते हैं। और जब इसको दोस्तों हमें यूज नहीं करना है तो इस लॉक को हमें वापस बंद कर देना है। इसको ऐसे खोल लेंगे और इसी प्रकार इसको बंद कर देंगे। इस प्रूनिंग सीजर का प्रयोग हम किस ब्रांच को काटने में करेंगे और इस प्रूनिंग सीजर का प्रयोग हम किस ब्रांच को काटने में करेंगे, तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। इससे हम 1/2 इंच से कम वाली मोटी शाखाओं को आराम से काट सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से इस प्रूनर की सहायता से हम शाखाओं को काट सकते हैं। इससे दोस्तों 1/2 इंच तक मोटी शाखाओं को काटने में बहुत ही सहायता मिलती है और बहुत ही आसानी से उन शाखाओं को काटा जा सकता है। अब दोस्तों, इस प्रूनर का प्रयोग हमें कौन सी शाखाओं को काटने के लिए करना है? तो 1 इंच या 1/2 इंच से जो भी अधिक मोटी शाखाएं हैं, मोटी ब्रांचेज हैं, उनको काटने के लिए हम इस प्रूनिंग सीजर का प्रयोग करेंगे। यह लगभग 1 इंच मोटा तना है। इस तने को काटने के लिए मैं इस प्रूनिंग सीजर का प्रयोग करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसकी कटिंग पावर कितनी है। दोस्तों ऊपर से देखते हैं, ये देखिए मैंने इसको लगाया और मैंने इसको चला दिया तो देखिए कितनी शार्प कटिंग ये करता है। बहुत ही शार्प कटिंग इसने कर दी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह प्रूनिंग कटर या प्रूनिंग सीजर हमारे गार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, इसलिए दोस्तों मैं इसी प्रूनिंग सीजर को खरीदने की आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, मेन ब्रांच को काटने में यह कैसा रिजल्ट देता है। देखिए दोस्तों, एक ही बार में इसने मेन ब्रांच को काट दिया है। देखिए दोस्तों, दोस्तों इस प्रूनिंग सीजर का बहुत ही अच्छा उपयोग है और बगीचे में पेड़ पौधों की साफ़ सफाई, प्रूनिंग करने और उनकी छटाई करने के लिए इसी प्रूनिंग सीजर का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमें गार्डनिंग में किस प्रूनिंग सीजर का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, इस प्रूनिंग सीजर का प्रयोग हमें पतली, सॉफ्ट और छोटी ब्रांचेस को काटने में करना है और
इस प्रूनिंग सीजर का प्रयोग हमें मोटी मझोली और 1 इंच तक मोटी शाखाओं को काटने में इसका प्रयोग करना है। और दोस्तों, जब यह 1 इंच मोटी ब्रांचेस को काटने में सक्षम है तो निश्चित रूप से यह उससे कम मोटी ब्रांचेस सॉफ्ट ब्रांचेस को काटने में भी पूर्णतया सक्षम है। तो दोस्तों, इस प्रूनिंग सीजर को खरीदने की जगह इस प्रूनिंग सीजर को आप खरीदना ज़्यादा पसंद करें, ताकि आपको जब भी प्रूनिंग करने के लिए गार्डन में जाना पड़े तो आपको प्रूनिंग में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों, इस प्रूनिंग सीजर को मैं खरीदने की आपको सलाह देता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी अवश्य ही क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।